जी आप पता लगा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जब जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट या मेरी टीम अगर उनको मौका मिलता है, दे वॉन्ट मी टू वेयर इंडियन। मैं आज ही अभी अपनी टीम को बोली थी कि नहीं, इस बार प्रमोशंस के लिए मुझे इंडियन मत पहनाना, वरना लोग सच में वापस मुझसे वही सवाल पूछेंगे। आपके सवाल से मैं कसम से डर गई थी सर। लास्ट टाइम और गाने की मैं बात करूं, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से। 1 घंटे में काफी रिपोस्ट भी आपने सोशल मीडिया पे कर रहे थे, मैं देख रहा था आते समय। क्या कुछ रिस्पांस लोगों की तरफ से मिला है अब तक, 1 घंटे की बात करूं तो? आई थिंक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, बिकॉज ये डांसिंग नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेडिंग सीजन है, लड़कियों का डांस एकदम, बोलते ना गर्ल्स वेट के कब कोई शादी में, मैं अपनी दोस्त की शादी में, अपनी बहन की शादी में, कहाँ पर जाके मैं परफॉर्म करूँगी। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सॉन्ग फॉर परफॉर्मेंस, इसलिए हमने कोरियोग्राफी भी ज़्यादा रखी है, दैट यू नो वी कैन टेल यू दिस इज अ ग्रेटेस्ट डांसिंग नंबर ऑफ द ईयर। सो यस, रेशम का रुमाल, यू गाइज कोरियोग्राफ इट, लेट मी नो, दिखाओ मुझे अच्छे से। आपको पता है ये गाना कितनी बार और पहले कितनी बार बन चुका है? जी मुझे पता है ये गाना पहले भी बन चुका है। द वेरी फर्स्ट वर्जन दैट आई सॉ वाज विद सारे गामा ओनली, तो वो ईला अरुण मैम ने गाया है जो, उसमें आपने मोनालिसा को देखा, उसमें आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा। आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दिस, बट पुराने रेशम का रुमाल में मैंने सारे गामा डिड दैट सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स बैक, बट इट वॉज सिद्धार्थ शुक्ला। आप देखोगे ही इज लुकिंग वेरी यंग, ही इज लुकिंग वेरी चिजल्ड। सो या इस गाने में हमने मतलब सोचा था थोड़े टाइम के लिए कि हाँ उस जैसा ही बनाएंगे पर मेल आर्टिस्ट, बट देन व्हेन वी जस्ट कुडंट फाइंड समबडी एज गुड एज हिम टू डू दिस सॉन्ग, तो आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट एंड आई वुड हैव बीन वेरी लकी आज अगर वो होते और अगर ये सॉन्ग मेरे पास होता। आई एम श्योर उसके बारे में उर्वशी रोते वेरी बैड, मुझे वो बहुत बुरा लगा जब मैंने वो देखा था। आई थिंक जब ये गाना मेरे पास आया था तो जस्ट टू रिफ्रेश माई मेमरीज, क्योंकि मैंने ये गाना बचपन में सुना है, स्कूल डेज में सुना है, तो रिफ्रेश माई मेमरीज आई एक्चुअली वेंट टू द यूट्यूब। मैंने वो गाना देखा भी नहीं था उनका, एंड आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज, आई एम लाइक ओह उर्वशी रौतेला हैज डन दिस सॉन्ग, वेरी नाइस। सो मैं गई एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, बहुत ही आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, एंड आई मेड श्योर दैट यस व्हाट वी आर डूइंग, आई न्यू द प्लानिंग, आई न्यू हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। आई थिंक ये वाला वर्जन बहुत अच्छा है। Do you think it was challenging after that? As you only said that the review was very bad, and in fact the movie was also didn't got that kind of response. So it was challenging for you. देखो, this is a very grand musty moment for me as well. Well, I'm just talking about it, but yeah, I mean, I genuinely felt that यार सारे काम मैंने पहले काम किया, सैरी बाबू हमने बहुत अच्छा बनाया, और भी बहुत सारे गाने हैं, इससे तो अच्छा ही बनेगा, मतलब I'm sure. In fact, मैं बात करूँ इस साल की, मैं completely बात करूँ on and off रहा है, आपके गाने की मैं बात करूँ काफी ब्रेक मिल जाता है, तभी भी एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो किस तरह से like how do you see this kind of project when the song came up to you, do you make sure that the thing should go very good because there are very less and in fact the cartel की मैं बात करूँ तो लोगों की चर्चा बढ़ चुकी है तो आई थिंक दिस ईयर जो गैप लिया था काफी ज्यादा, दैट वॉज बिकॉज ऑफ द चॉइसिस दैट वर कमिंग थ्रू मी, मुझे जो चॉइसिस मिल रहे थे आफ्टर अभय, मुझे वो कंटिन्यू नहीं करने थे, मुझे कोई रियालिटी शो वापस नहीं करना था। आई वॉज डन विद रियालिटी शोज, बिग बॉस, then the other reality shows that keep coming, ek hi reality show ki chahti jhalak dikha ja, which didn't happen. So I think this year the other reality shows which were approached usme mujhe koi interest nahi tha, main nahi karna chahti thi because itne saal reality show kiya, I have done everything, ab isse zyada meri personality mein ek hi cheez hai jo main dikhana chahti hu, that is my talent in acting. I think that needs the platform, that needs flourishment, and wo jo jitna bhi mile utna kam hai. Like I was lucky that cartel mein एक ही रोल था, बट देन देयर वर सो मेनी कैरेक्टर्स इनटू दैट, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। ऑन कलर्स एंड थिंग्स वर सेट के आपको बुलाया नहीं, दैट्स व्हेन आई थॉट के आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन, बुलाया नहीं, बुलाना था, बुलाया है, व्हाट वाज गोइंग ऑन,
So I kind of understood where I came to a point that this is it. Mera connection logon ke saath hai, mera connection audiences ke saath hai. I think that's what I've gotten in my life. Reality shows, I always loved. मैं हमेशा पसंद करूँगी. But any which way is looking at the Big Boss this year, I don't think मुझे अभी interest भी है as a guest भी जाने. In fact, last 2 साल की मैं बात करूँ, did you got any call from the Big Boss team? कोई ऐसा call आया कि Divya come join us in the house or something like that? Yeah, that's what happened in OTT. OTT, I was said the one who wins OTT goes to the main show. Yes. And ये conversation हमारी OTT join करने से पहले हुई थी. बट उसके बाद देन जितने क्लूलेस ऑडियंसेस थे उतनी ही क्लूलेस मैं थी. सो मे बी आई डोंट हैव शेट्टी इन माय नेम, आई डोंट नो, आई कांट री एंटर अगेन. यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन इफ यू वांट. डू यू थिंक देयर वाज, मैंने ओटीटी ज्यादा तो नहीं देखा था, मैंने कुछ देखा था. डू यू थिंक द कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड करण, एंड व्हेन द करण सेड यू समथिंग दैट हैज इनफैक्ट कुछ अफेक्ट किया है उस? आई डोंट थिंक सो, सॉरी. एंड आई मीन करण जौहर से उस वक्त जो बातें हुई, आई डोंट थिंक सो दैट इज गोना अफेक्ट एनीवेयर इन द करियर, बिकॉज दैट वाज इन द मोमेंट. एंड करण जौहर इज नॉट सो लाइक ही, आई डोंट थिंक वो हमारे कितने भी झगड़े हुए, बट आई नो हिम एज अ पर्सन, ही वोंट इवन प्रॉब्ली हैव टाइम टू इवन लुक एंड कैंसिल सम थिंग्स इन माई लाइफ या मेरे पीछे पड़ के. आई मीन आई डोंट थिंक ही इज दैट पर्सन एट ऑल. Yeah, I don't even think so. Colors को उस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है. तो no, these are very stupid factors. It's just when you're done with the reality shows, maybe I don't know. OTT was so good that 70% of the support was there. I don't know. They were maybe not wanting me to come. So coming back to the song, कितने सारे reels अब तक बने? क्योंकि repost मैंने काफी देखे. Repost काफी हुए. In fact, I feel. रील्स जब हमारा आज गाना रिलीज हुआ है उससे पहले से रील्स आने शुरू हो चुके थे, बिकॉज हमने हुक लाइन रिलीज कर दी थी 2 दिन पहले. एंड पीपल हैव स्टार्टेड कॉपिंग दैट. आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल. एंड उन्होंने वो करना चालू कर दिया है एंड आई थिंक ये पूरा दिन चलने वाला है. एंड उसमें से जो बेस्ट एंड डिफिकल्ट होगा, नॉट टूडे, लकीली नॉट टूडे, बट कल आई थिंक देर आर 15 odd influences coming. Yes. And then हम काफी content के साथ बनाएंगे. कितना impact हो जाता है कोई भी गाने को. मैं now मैं देखता हूँ ये trend बन चुका है. Influencer आते हैं, reels बनाते हैं. Reels कितना impact करता है? I think बहुत ज़्यादा. In not just reels. I think Instagram for everybody in terms of आप लोगों के लिए भी, in terms of you know our team for makeup, hair, styling, हर चीज़ के लिए Instagram actually is helping a lot in social media. And these influencers have actually made a very good mark. जहाँ पे उन्होंने एक platform बना दिया अपने लिए. And yes, we need them. We need them to promote our song. Mm-hmm.